हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई 17 मार्च 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बैंक खाता वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले रखी है तो भी आपके लिए खबर है। खेल समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी फिर से अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देश भर के 22 शहरों में फिर से सख्त लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों, गाड़ी वाहन अगर आप चलाते हैं तो भी आपके लिए एक नया अपडेट है। आइए जानते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा एक दो दिन से बैंक हड़ताल चल रही थी, और अब ऐसे में बैंकों के बाद अब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी भी हड़ताल करने जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के कर्मचारी जो है वो आज बुधवार और कल गुरुवार यानी कि 17 मार्च और 18 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। इनका हड़ताल पर रहने का कारण ये है दोस्तों कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है बीमा वगैरह के क्षेत्र में भी, उसी के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, सरकार का यह कहना दोस्तों कि LIC का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, IPO से भी किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, ये गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा जो बैंकों के प्राइवेट होने को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही, इस पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना दोस्तों कि देश के सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारियों वगैरह सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल ही कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, तो ये वाकई में राहत की बात है। और चलिए बात करें अगली खबर। देखिए दोस्तों, मोदी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए बनेगा नया बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, हमारे देश में अब एक और नया बैंक बनने जा रहा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वगैरह के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करेगा। बैंक नेशनल बैंक होगा पूरा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और नेशनल बैंक बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री वगैरह और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ में कैबिनेट की मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उसमें कई फैसले लिए गए। और इसमें महत्वपूर्ण फैसला यही रहा दोस्तों कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए एक नेशनल बैंक को मंजूरी मिली है। तो बहुत जल्द इस नए बैंक का गठन होगा और देश में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बैंकिंग सिस्टम को शुरू करने का सरकार का मकसद यही है, तो ये भी राहत की बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर प्रमाणित कॉपी लेना चाहते हैं ना, तो अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन ही ये सुविधा शुरू कर दी गई है। जहाँ किसी भी मामले की अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कॉपी लेना चाहते हैं तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है या दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अब ये सिस्टम ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, इंडियन रेलवे के प्राइवेट होने को लेकर भी काफी दिनों से आपने चर्चाएं सुर्खियां खबरें देखी होंगी, तो इस पर भी रेलवे का एक बयान निकल कर आ रहा। खुद ऑफिशियली रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी जानकारी दी है। कई दिनों से रेलवे के निजीकरण को लेकर आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी जानकारी दी है। और पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि रेलवे जो है वो भारत की संपत्ति है, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। ये कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रेलवे सिस्टम ही प्राइवेट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो मतलब बैंक वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह और रेलवे वगैरह, इन सभी के प्राइवेट होने को लेकर ये सब कुछ जो डाउट्स थे उनका क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, नेशनल हाईवे पर सफर करना अब आपका महंगा होगा क्योंकि 1 अप्रैल से टोल के रेट बढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पिछले महीने 15 फरवरी से टोल पर फास्टैग लगाना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य हुआ था, आपको भी पता होगा, और अब ऐसे में 1 अप्रैल से टोल की रेटें भी बढ़ने जा रही है। भारत में 1 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी कि सिर्फ नेशनल हाईवेज के जो टोल है ना उन पर रेटें बढ़ेंगी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी करने का मानस बनाया है। वहीं मासिक पास पर भी किराया बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, NHAI जो है वो हर साल नए वित्त वर्ष में टोल टैक्स बढ़ाता है, जिसमें अब इस बार भी 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है इसमें टोल टैक्स रेटें बढ़ सकती हैं। और बाकी अगर फिर भी NHAI नहीं बढ़ाए तो बड़ी राहत की बात है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर, 1 अप्रैल से दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये भी महंगे हो जाएंगे। 10% आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, महंगाई की और एक और मार आपको झेलना पड़ेगा। स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ सकता है, ये भी सकता है, कहने का मतलब दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियां जो अपना प्रीमियम रेट बढ़ा सकती हैं, लेकिन देखते हैं ऑफिशियल अपडेट 1 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल और एक खबर देखिए कि गर्भपात की समय सीमा को बढ़ाने का विधेयक भी राज्यसभा से पास हो चुका है। जी हाँ, अब आखिर दोस्तों कितने सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराया जा सकेगा, इस पर एक नया विधेयक यानी कि नया कानून जो है वो राज्यसभा से पास हो चुका है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राज्यसभा ने कल ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को मंजूरी दे दी है।
और लोकसभा पहले से ही इसे पास कर चुका। तो इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूर समय सीमा जो कि मौजूदा समय में 20 सप्ताह थी, इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया, 24 वीक्स कर दिया, या यूं समझ सकते हैं ऑन एवरेज एक महीना और बढ़ा दिया गर्भपात की सीमा को, है ना। 4 सप्ताह का एक महीना गिने तो 24 सप्ताह तक अब अबॉर्शन की अनुमति होगी, यानी कि तकरीबन 6 महीने तक का जो गर्भ है उसको अबॉर्शन कराया जा सकेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श कर तैयार किया गया। यह विधेयक लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में था और लोकसभा में पिछले साल ही ये पारित हो चुका है, तो यहाँ यह विधेयक जो है वो सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानी कि सभी की सहमति पूरी थी इसमें। तो अब दोस्तों कुल मिलाकर के बहुत बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कि कई बार हम लड़कियों के साथ ऐसी वैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं दुष्कर्म वगैरह की घटनाओं में, या दोस्तों अगर गर्भ के कारण किसी महिला को कोई बहुत विशेष बीमारी आ गई जिसके कारण माँ के जान जाने का खतरा है, तो भी ऐसी सिचुएशन में अबॉर्शन कराने की अनुमति होगी अधिकतम 24 वीक्स तक के। ओके, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक पॉक्सो एक्ट के तहत बालिग होने की उम्र को भी 18 से घटाकर 16 करने की सिफारिश चल रही है, क्योंकि आजकल जो है ये दुष्कर्म वगैरह के अपराध काफी बढ़ गए हैं, और ऐसे में क्या कि 16-17 साल के लड़के भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता दिमाग में कि 18 साल से पहले तो अपन नाबालिग में गिने जाएंगे, तो फिर उनको वो मौके मिल जाते हैं और उस ऑप्शन का फायदा उठा देते हैं वो। तो ऐसे में संसद की एक समिति ने केंद्र सरकार से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत बालिग होने की उम्र को भी 18 से घटाकर 16 करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि यदि यौन अपराध संबंधित छोटी घटनाओं के मद्देनजर यदि अपराधी को उचित सलाह नहीं दी गई तो आगे चलकर वह गंभीर और जघन्य अपराध को भी अंजाम दे सकता है। देखते हैं अब इस पर गवर्नमेंट का क्या फैसला आता है, जो कोई भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों देश से जुड़ी कुल मिलाकर के सभी काम की खबरें और मुख्य समाचार को तुरंत अगर आप रोजाना अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। DLS न्यूज चैनल की इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी जरूर दबा देना होगा। ये इससे कि आप रोजाना ताजा खबरों से तुरंत अपडेट रह पाओगे और आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। और चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए दोस्तों कल ही जो T20 सीरीज का थर्ड मैच था उसमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, उसमें इंग्लैंड ने 8 विकेट से तीसरा मैच जीत लिया और अभी इंग्लैंड 2-1 की बढ़त पर चल रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली के 77 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 से ज्यादा रन बनाए थे 156। फिर इंग्लैंड ने जोस बटलर की दमदार पारी के दम पर 18 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और उसके बाद अभी इंग्लैंड जो है वो सीरीज में 2-1 की बढ़त पर चल रही है। ओके, और अगली खबर देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के जरिए डाउनलोड कर लीजिएगा www.hcraz.nic.in पर। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की 1-1 सीट पर भी चुनाव होंगे। ज्यादातर जगहों पर सांसदों और विधायकों के निधन के कारण खाली हुई सीटों पर चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही यानी कि 2 मई को ही घोषित होंगे। जिन राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश की 1 और राजस्थान की 3 सीटें भी शामिल हैं। अब कहां कहां उपचुनाव होने वाले हैं तो इसकी पूरी लिस्ट यहां पर दी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह। ओके, और साथ ही चुनाव से संबंधित और एक खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बोले वो कि TMC की गुंडागर्दी अब सिर्फ 45 दिनों और बची है। कहने का मतलब उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे तो सत्ताएं बदल जाएगी। देखते हैं आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी पश्चिम बंगाल की गद्दी को संभाल पाती है। मैं आपको बताऊंगा चुनाव नतीजे भी, लाइव अपडेट, इलेक्शन रिजल्ट DLS न्यूज के ऊपर आपको बताऊंगा जरूर जिस दिन नतीजे आएंगे। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। हाल ही में दोस्तों एक सर्वे हुआ और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली राजधानी जो है ना वो कौन सी है, पता है? दिल्ली। जी हाँ, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। मोस्ट पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज दिल्ली। और देखिए 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत से हैं और 50 सबसे टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 35 शहर भारत के हैं। भारत में गाजियाबाद और बुलंदशहर जो वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में है। ये आंकड़े और ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि हमें भारत में कितना मतलब पोल्यूशन रोकने की जरूरत है। हाल ही में एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई थी, मैंने आपको बताया था अभी कि प्रदूषण यानी कि सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हर साल कितने लोगों की जान चली जाती है। लाखों लोग जो है वो हर साल पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं।
तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वगैरह आप अपनी गाड़ी की समय पर सर्विस वगैरह करवाते रहें, और इसके अलावा जहां तक हो सके दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। देखिए मतलब आंकड़ा क्या कहता है कि भारत में 35 शहर है, दुनिया के टॉप 50 पॉल्यूशन शहरों में 35 तो सिर्फ भारत के हैं यार, गजब। मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं आप अपनी जिंदगी में, एक पौधा तो बड़ा करके दिखाएं कुल मिला करके। और चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों इलेक्शन से संबंधित एक और खबर आ रही है। ओपिनियन पोल में इस बात का पता चला कि पांडिचेरी में बड़ी जीत के साथ बीजेपी वापस अपनी सरकार बना सकती है और कांग्रेस का सूपड़ा सांप यहां पर हो सकता है। दरअसल पांडिचेरी में इस बार सत्ता की बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। एशिया नेट C4 के ओपिनियन पोल के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की 30 सीटों में 23 से 27 सीटों पर बीजेपी को गठबंधन के जरिए जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस DMK का गठबंधन 3 से 7 सीटों पर ही सिमट सकता है। वहीं अन्य के खाते में 0 या 1 सीट जा सकती है। सर्वे के मुताबिक पांडिचेरी में बीजेपी को युवाओं का बड़ा पैमाने पर समर्थन मिल सकता है। ओके, तो ये तो रहा एक ओपिनियन पोल सर्वे, बाकी तो दोस्तों चुनाव आयोग के ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अपन बात करें आज के मौसम समाचार के तहत, खबर देखिए आप। किन राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम का पूरा हाल मैं आपको बताता हूं। दरअसल पश्चिमी यूपी के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। 18 से लेकर 20 मार्च तक पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम बदल जाएगा और बारिश होने की संभावना आ रही है। संपूर्ण भारत का आज 17 मार्च 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख वगैरह यहां पर मध्यम बारिश और हिमपात भी हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। वहीं 17 से 18 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 18 और 19 मार्च को मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, विदर्भ और दक्षिण पूर्व और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों का वेदर अपडेट, मौसम समाचार। और अब बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब भी सस्ते हैं गोल्ड खरीदने का मौका, चांदी महंगी हुई है लेकिन सोना कुछ सस्ता ही चल रहा है। सोने की कीमतों की बात करें तो सोने के भाव में 45 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली और उसके बाद अभी सोने का रेट 44,481 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई है। चांदी में 116 रुपए की प्रति किलो पर बढ़त के बाद अभी चांदी का रेट 66,740 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, और वहीं पेट्रोल डीजल के रेट पर भी आम आदमी को राहत मिली है। कई दिनों बाद पेट्रोल डीजल की नई रेटें जारी हुई हैं और अभी आप देख सकते हैं देश के कुछ बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं कुछ पैसों की कमी के बाद। ओके, वहीं कोरोना वायरस लॉकडाउन वगैरह पर खबरें देखिए आप दोस्तों कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब पंजाब के पूर्व डिप्टी CM को भी घेर चुका है। सुखबीर सिंह बादल जो है वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्होंने समर्थकों से भी अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई लोग आए थे तो वो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा ले। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, लॉकडाउन कमबैक हो सकता है। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र में लगभग 50% जगहों पर ऑलरेडी प्रतिबंध लग चुका है। और कुल मिलाकर के बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि कोरोना का कहर 8-9 राज्यों में फिर से बढ़ने लगा, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में ही। तो वहां पर सरकार धीरे धीरे वापस लॉकडाउन की तैयारियां भी कर रही है। महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ चुकी है, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोविड की गाइडलाइन जारी हुई है। कल ही महाराष्ट्र में भी कोविड की नई गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी और अब यहां पर पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन यानी कि नए नियम जारी किए गए हैं। घुमा फिरा के बात वही आ जाती है दोस्तों कि आप प्लीज मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर जाएं तो, और वहीं बाहर से वापस बाजार वगैरह से घर पर आते हो ना तो आते ही पहले अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करें और साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं खाना खाने वगैरह से पहले। इन बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का, ताकि कोविड का संक्रमण ज्यादा ना बढ़े। बाकी दोस्तों आज कोरोना के कहर पर PM मोदी जो है वो 17 मार्च को यानी कि आज ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक वगैरह भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। तो पर 12 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बातचीत होगी, देखते हैं क्या निर्णय आता है, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। और बाकी खबर आ रही है दोस्तों कि देश के 22 शहरों में जो फिर से सख्त लॉकडाउन लग सकता है, मतलब हर रोज यहां पर खतरा बढ़ रहा है और इसके चलते देश के 22 शहरों में सिटीज में लॉकडाउन वगैरह की तैयारियां चल रही है, सो प्लीज सावधान रहें। और भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 28,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,38,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में एक्टिव केस यानी कि सक्रिय केस की संख्या जो वो 2,31,000 के लगभग चल रही है। बाकी दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा जो वो 1,59,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। बाकी किसान आंदोलन पर खबर देखिए दोस्तों, राकेश टिकैत का यह कहना कि गुजरात भी जाएंगे और 17 अप्रैल को उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस दौरान वो गुजरात भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। काफी दिनों से तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है, काफी लंबा टाइम हो चुका है इसको, पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि वे गुजरात में होने वाले उपचुनाव से पहले वहां की जनता से मिलेंगे और वोट किसको देने किसको नहीं देने ये बातें भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का यह कहना कि वो गुजरात जाने की तैयारी में है।
अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है, बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे 8वीं कक्षा तक के छात्र जो हैं, वो अब बिना परीक्षा के ही नेक्स्ट क्लास में बिठा दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से भी ये फैसला ले लिया गया है। और इसके अलावा खबर आ रही है, राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत कैबिनेट का एक अहम निर्णय है, 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पक्ष प्रस्तुत करेगी कि साल 1992 के इंदिरा साहिनी प्रकरण में आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो वगैरह वगैरह राजस्थान राज्य की सियासत चल रही है। और साथ ही अगली खबर देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे पर भी दोस्तों फास्टैग से अब आपका टोल पेमेंट हो जाएगा, 1 अप्रैल से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। बाकी 1 अप्रैल से फास्टैग पर रेटें भी बढ़ सकती है, मैंने आपको बताई दिया पहले ही खबर में। अच्छा, इसके अलावा एक आपके बच्चों के लिए, अगर आप पेरेंट्स माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, आपके बच्चों के लिए खबर आ रही है, गेम ऑफ डे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लास के आड़ में मोबाइल गेम के लिए दोस्त से पैसे मांगता था और उसको जान गंवानी पड़ी। मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बच्चे भी आजकल जरूर मोबाइल पर गेम खेलते होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो टीनएजर्स हैं वो अपने मम्मी पापा का या घर में किसी भी सदस्य का मोबाइल ले लेते हैं। और आजकल ऑनलाइन गेम्स तो आपको पता ही है, वीडियो गेम्स कितने एडिक्टेड होते जा रहे हैं। मतलब पहले तो पबजी वगैरह था, अभी पबजी तो भारत में बैन हो चुका, लेकिन उसके पैरेलल और भी बहुत सारे बैटल रॉयल गेम चल रहे हैं, फ्री फायर वगैरह और भी कई सारे गेम। तो आपके बच्चों को कहीं गेम का एडिक्शन नहीं लग जाए, लत नहीं लग जाए, और उस गेम के चलते बच्चा कहीं अंदर झांसे में ना फंस जाए किसी के साथ ही, क्योंकि गेम में जो फ्रेंडशिप वगैरह होती है। तो आप अपने बच्चों पर ट्रैकिंग रखें कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत खेल ले तो ठीक है माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन ज्यादा एडिक्टेड ना होने दें, लगातार 5-5, 6-6 घंटे गेम ना खेलने दें उनको, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन, वो गणतंत्र दिवस पर पहले भारत आने की प्लानिंग में थे, आपको पता होगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उन्होंने वो प्लानिंग रद्द कर दी थी। तो अब वो अप्रैल के आखिर महीने में भारत आने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो उम्मीद है भारत और ब्रिटिश पीएम के बीच कुछ समझौते होने चाहिए और कुछ और अवसर मिलेंगे एक दूसरे को। और अगली खबर देखिए, भारत में आज लॉन्च होने जा रही है मेड इन इंडिया जीप रेंगलर, बहुत ही अच्छी एसयूवी है ऑफ रोडिंग के लिए। 17 मार्च को आज इससे पर्दा उठ जाएगा कीमत वगैरह से, मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल अपडेट। अच्छा, साथ ही और एक खबर देखिए दोस्तों, पावर पोर्टेबिलिटी की सुविधा आपको बहुत जल्द मिलने जा रही है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस तरह से अभी आप मतलब अपनी टेलीकॉम सर्विस को पोर्टेबल सेवा के जरिए पोर्ट करवा सकते हो, कहने का मतलब अगर आपको एयरटेल का प्लान पसंद नहीं आ रहा तो आप जियो में स्विच कर सकते हो, जियो के भी नहीं आ रहे तो वोडाफोन आइडिया में जा सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शन है। जितने भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप अपनी सिम कार्ड को सेम नंबर के जरिए पोर्ट करवा सकते हो, राइट। अब वैसे ही फैसिलिटी आपको बिजली सेवाओं में भी मिलेगी, कहने का मतलब आपने अभी जिस कंपनी से बिजली ले रखी है ना, उसकी सर्विसेज, उसकी रेटें वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप किसी और दूसरी बिजली कंपनी में पोर्ट करवा सकोगे। पावर पोर्टेबिलिटी का अधिकार ग्राहकों को मिलने जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर की तरह, बहुत जल्दी है ना, अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, अब आपका ताजमहल घूमना महंगा हो सकता है, ताजमहल का दीदार थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की मंजूरी के बाद दूने हो जाएंगे टिकट के दाम। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल समेत सभी स्मारकों के टिकट के दाम बढ़ाने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है, और अगर इस प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी मिल जाती है, यानी कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो फिर जाहिर सी बात है ताजमहल घूमने के लिए फिर आपको टिकट पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से एसी फ्रिज पंखे वगैरह ये भी महंगे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले भी अपडेट। तो अगर आप मतलब मार्च एंड में भी ये चीजें महंगी हो सकती है, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं ना गर्मी में अपने लिए कोई एसी कूलर फ्रिज वगैरह, तो आप अभी ले आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ आप जरूर फायदे में रहेंगे, ओके दोस्तों। तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट, वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि औसतन एक वयस्क इंसान को दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, एक दिन में, मतलब मेडिकल साइंस के मुताबिक एक वयस्क इंसान के लिए दिन में कितना पानी पीना जरूरी होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दिल से लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ओके। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।